इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 हिंदी का चैप्टर 16 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है खेमा। तो इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर का A to Z क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। आपसे बोल रहे थे कि चैप्टर 16 का वीडियो लाया जाए, तो चैप्टर 16 का वीडियो लेकर हाजिर है। तो अगर आप चैनल बनाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और बाकी सब्जेक्ट का वीडियो देखने के लिए या फिर हिंदी का बाकी चैप्टर का वीडियो देखने के लिए कमेंट बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दे दिए हैं, वहाँ से देख सकते हैं, या फिर आप सीधे प्लेलिस्ट से जाकर उन सारे वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर प्रश्न अभ्यास पार्ट से, तो पहला है खेमा कसारा के होटल पर काम क्यों करता था। खेमा कसारा के होटल पर काम क्यों करता था, तो चलिए ये सब का क्वेश्चन आंसर आपको बताते हैं PDF से। तो देखिए यहाँ पर पार्ट से, तो खेमा कसारा के होटल पर काम क्यों करता था, तो उत्तर लिखेंगे खेमा के माता पिता ने उसके भरण पोषण के दायित्व से मुक्त होने के लिए उसको कसारा को बेच दिया था। ठीक है ना, खेमा के माता पिता बहुत गरीब थे, तो सोचिए कि इसका भरण पोषण कैसे करेंगे, तो इसको बेच देते हैं। इसलिए खेमा मजबूरन कसारा के होटल पर काम करता था, तो उसको काम करना पड़ता था क्योंकि उसके उसके पापा को पैसा मिला है ना। इसीलिए खेमा द्वारा चप्पल की मांग करने पर कसारा ने बेरुखी क्यों दिखाई, बेरुखी क्यों दिखाई। उत्तर लिखेंगे खेमा द्वारा चप्पल की मांग करने पर कसारा बहुत क्रोधित हुआ, बहुत गुस्सा हुआ। क्यों? वह सोचता था कि खेमा उसका एक मामूली नौकर है, तो उसके लिए चप्पल खरीदने की क्या जरूरत है। यही सोच कसारा ने बेरुखी दिखाई। वो सोचता था कि तो ये छोटा सा नौकर है, काम कर रहा है, इसको क्या, ये चप्पल मांग रहा था, इसको चप्पल दे देंगे। तीसरा देखिए, अपने पैरों पर पानी गिराने से खेमा को तसल्ली क्यों मिलते थे। ठीक है, पैरों पर पानी गिराने से, तो उत्तर लिखेंगे गर्मियों में खेमा के नंगे पैर जलते थे, उसको चाय पहुंचाना रहता ना इधर उधर, तो रोड पे क्या वो नंगे पैर चलता था, चप्पल था ही नहीं, तो गर्मी में उसका पैर है ना जलता था। जब कसारा ने उसे चप्पल देने से मना कर दिया, तो खेमा अपने जलते पैरों को ठंडक पहुंचाने के लिए उन पर पानी डालता था। ठीक है, जिससे उसे थोड़ी राहत मिलती थी, और फिर पानी क्या, पानी सूख जाएगा था, फिर से वही हाल हो गया। तो जाके देता था ना दुकान में या फिर कुछ दूरी पे जो लोग होते थे, तो उनको जाता था देने के लिए, कसारा बोलता था कि जाओ चाय दे आओ, तो फिर वापस आता था, तो बस पानी डाला तो थोड़ा बहुत राहत मिलता था। ठीक है, चौथा देखिए, किन परिस्थितियों में खेमा के पिता ने उसे बेच दिया था, किन परिस्थितियों में। तो उनका क्या, उनका है ना, खेमा का जो पिता है ना, उनका स्थिति, आर्थिक स्थिति बहुत खराब था। तो एक उत्तर लिखेंगे खेमा का परिवार बहुत गरीब था, उसके पिता के पास चार बच्चे थे, तो उसके पिता के पास चार बच्चों की देखभाल और पालन पोषण के लिए पर्याप्त साधन नहीं थे, जो पैसा चाहिए ना, पैसा नहीं था, इसलिए वह मजबूर होकर अपने सभी बच्चों को बेच दिया, जिनमें खेमा भी शामिल था। सोचे कि पैसा मिल जाएगा और पैसा से अपना आप घर बार चला लेंगे, और वो क्या, वो जहाँ काम करेगा, ये जो चार बच्चे जहाँ काम करेंगे बाल मजदूरी, तो उसको वहाँ पर खाना पीना मिल ही जाएगा, तो फिर बेच दिए। अब देखिए पांचवा प्रश्न, जब लेखक ने खेमा के पिता से कहा कि भी खेमा को अपने साथ ले जाकर पढ़ाना चाहते हैं, तब उसकी आंखें क्यों भर आई, खेमा के पिता की आंखें क्यों भर आई, अपना विचार दीजिए। ठीक है, उत्तर लिखेंगे जब लेखक ने खेमा के पिता से कहा कि वे खेमा को अपने साथ ले जाकर पढ़ाना चाहते हैं, तब उसकी आंखें भर आई। ये कहाँ से लिखे, यहाँ से लिखा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक खाली क्यों काट दिए, तो याद करने की जरूरत नहीं है, याद करना है क्योंकि से, लिखेंगे क्योंकि उसके मन में अपने बेटे के प्रति प्यार और लगाव क्या हो गया, जाग उठा। ठीक है, तो उनको लगा कि हम बेच दिए थे और ये ले जाके पढ़ाना चाहते हैं, तो अपने बेटे के प्रति प्यार और लगाव जाग उठा। वह गरीबी के कारण अपने बच्चों को, जो चार बच्चे थे ना, तो अपने बच्चों को पढ़ाने का सपना नहीं पूरा कर पाया था, इसलिए वह भावुक हो गया कि ये जो आए हैं लेखक मेरे बेटे को पढ़ाएंगे तो नाम कमाएगा, कुछ करेगा जिंदगी में। ठीक है, पाठ से आगे देखिए, पहला खेमा कहानी पढ़कर आपके दिमाग में कौन कौन से प्रश्न उठ रहे हैं, तो कौन कौन से प्रश्न उठ रहे हैं दिमाग में आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो नॉर्मल सा बात है ना कि खेमा में बाल मजदूरी को दिखाया गया, तो दिमाग में उठता है कि इसके माता पिता को क्यों बेचना पड़ा, इतना गरीब थे और बाल मजदूरी इसको करना पड़ रहा है, और सरकार कुछ कर नहीं रहा बाल मजदूरी के लिए, सरकार समाज, इसी तरह का दिमाग में सवाल उठता है। और क्या, आपके दिमाग में भी ये सवाल उठता होगा, तो क्या क्या सवाल उठता है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।
उत्तर लिखेंगे खेमा कहानी पढ़ने के बाद कई प्रश्न उठते हैं दिमाग में। पहला प्रश्न कि क्या गरीबी को दूर नहीं किया जा सकता है, जिसके चलते माता पिता को अपने बच्चों को बेचना पड़ता है, मतलब बच्चों को बेच दे रहे हैं। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि वो दिया उसको 100 रुपया, ठीक है, किसको, खेमा के पिताजी को दिया, खेमा के बदले, और बोला कि हम इससे काम करवाएंगे 6 महीना 1 साल, इस तरह से 100 रुपया, बस एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो उसको मत देखिएगा कैसे बस 100 रुपये दिया। तो यहाँ पर पहला प्रश्न उठता है ना कि क्या गरीबी को दूर नहीं किया जा सकता है, जिसके चलते माता पिता को अपने बच्चों को बेचना पड़ता है। ठीक है, दूसरा बात है कि दूसरा प्रश्न है कि क्या बच्चों को काम करने के लिए मजबूर किया जाना उचित है, यानी बाल मजदूरी उचित है। ठीक है, तो जाहिर सी बात उचित नहीं है। तीसरा प्रश्न कि क्या सरकार और समाज की ओर से बाल मजदूरी रोकने के लिए पर्याप्त प्रयास किए जा रहे हैं। तो सरकार और समाज प्रयास कर रहा है बाल मजदूरी को रोकने के लिए, तो प्रयास करता है तो खत्म नहीं हो जाता है, फिर भी बाल मजदूरी देखते रहते हैं कि होटलों में छोटे छोटे बच्चे काम करते हैं। यानी ऐसे दिमाग में सवाल उठता है ना कि नहीं, सरकार है ना, सरकार और समाज काम नहीं कर रही है, ऐसा लगता है, लेकिन काम कर रही है। तो देखिए, कसारा से चप्पल मांगने पर खेमा को फटकार लगी, उसके बावजूद वह काम करने लगा, आप रहते तो क्या करते हैं। तो ये खेमा ने चप्पल मांगा था ना, कि बोला कि धूप में पैर जलता है, तो चप्पल ला दीजिए। तो कसारा क्या किया, फटकार लगाया, बोला कि काम करो, तो वो फिर से काम करने लगा, तो आप रहते हैं तो क्या करते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो देखिए उत्तर लिखेंगे खेमा की जगह हम रहते तो वही करते जो खेमा कर रहा था। ठीक है, यानी कि काम करने लगता है, काम नहीं करने पर कसारा हमें डांटता, गाली देता, पीटता और खाना भी नहीं देता। ठीक है, जैसा खेमा को नहीं मिलता ये सब, ठीक है, खाना नहीं मिल पाता, इन सबों से बचने के लिए हमें सहन करना पड़ता। ठीक है, तो खसारा के यहाँ काम करना पड़ता, लेकिन अगर हम रहते तो ये तो करते उस समय, लेकिन बाद में ना बाल मजदूरी के खिलाफ काम करने वाले जो एनजीओ हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, तो उसकी है ना, उसकी मदद जरूर लेते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे जो एनजीओ है ना, वो क्या, वो बाल मजदूरी के खिलाफ काम कर रहे हैं, उसको समाप्त करने के लिए, तो वहां पर जाते हैं और मदद लेते हैं। तीसरा सवाल देखिए, तीसरा सवाल है कसारा का होटल छोड़ने के बाद खेमा के जीवन में किस प्रकार का परिवर्तन आया होगा, अपने विचार लिखिए। तो लेखक ले गए थे ना खेमा को, ठीक है, और बाल मजदूरी से उसको मुक्त कर दिए, तो उसके जीवन में क्या क्या परिवर्तन आया होगा, कल्पना करना। तो देखिए उत्तर लिखेंगे कसारा का होटल छोड़ने के बाद खेमा को बाल मजदूरी, ठीक है, बाल मजदूरी नहीं करनी पड़ी होगी, फिर से बाद बाल मजदूरी से उसको मुक्ति मिल गया और उसके पास पढ़ने लिखने का मौका मिला होगा, क्योंकि लेखक उसको पढ़ाने लिखाने ही ले गए थे। उसका खान पान और रहन सहन भी बेहतर हुआ होगा, क्योंकि कसारा के होटल में उसको ठीक से खाना नहीं मिलता था, लेकिन अब क्या, अब लेखक यहाँ गया, तो जाहिर सी बात है खाना पीना और रहन सहन अच्छा हो गया होगा, उसके अंदर एक नई उम्मीद और आत्मविश्वास जागा होगा, एक नई उम्मीद जागा होगा कि वो भी पढ़ लिखे है ना, कुछ कर सकता है। चौथा देखिए, बाल मजदूरी की तरह समाज में अन्य कुप्रथाएं, कुमिस होता खराब, तो अन्य खराब प्रथाएं भी प्रचलित हैं, उन पर चर्चा कीजिए, जो खराब प्रथाएं है ना, जिससे समाज का विकास नहीं हो पा रहा, तो वही बताना। तो देखिए उत्तर लिखेंगे बाल मजदूरी की तरह हमारे समाज में कई कुप्रथाएं प्रचलित हैं, बाल मजदूरी की तरह, ठीक है, जैसे में दहेज प्रथा, तो पता ही है कि लड़की वाले जो परिवार हैं उनको दहेज देना पड़ता है, लड़के वालों को, तो जो गरीब घर की लड़की है तो कैसे दहेज देगी, तो इसलिए वो लोन लेती हैं, क्योंकि उनके जो परिवार है ना लोन लेता है और वही चुकाते रहता है। तो मृत्यु भोज, तो जो गरीब लोग होते हैं ना, तो वो जिनके पास पैसा नहीं होता तो भोज करना कराना पड़ता है ना गाँव में पूरा, तो उसके लिए काफ़ी लोन लेना पड़ता है, काफ़ी अधिक ब्याज पे, समझे, तो गरीब लोगों को लोन कौन देगा, सरकार थोड़ी देगा, बैंक थोड़ी देता है, तो आम लोगों से लेना पड़ता है, जो भी अमीर हैं तो ज़्यादा ब्याज पे देता है ना, तो फिर वो चुकता करते रहते हैं, चुकता करते रहते हैं, तो है ना कर्ज के दलदल में ना फंस जाते हैं, इसके कारण दहेज प्रथा, मृत्यु भोज, ठीक है, बाल विवाह यानी कम उम्र में शादी हो जाना अभी भी होता है कुछ 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 गाँव में, लेकिन ये बहुत घट गया। जाति प्रथा, जाति के नाम पे जो लड़ते झड़ते रहते हैं, विधवा बनकर जीवन बिताना आदि सभी कुप्रथाएं हैं। ठीक है, इन सबों पर कानूनी रूप से रोक लगना चाहिए, इन कुप्रथाओं से ना समाज का विकास संभव नहीं है, जब तक ये सब हटेगा नहीं तो समाज का विकास कैसे होगा। पांचवा सवाल है बाल मजदूरी समाप्त करने के लिए सुझाव दीजिए, बाल मजदूरी, ठीक है,
तो उत्तर लिखेंगे, बाल मजदूरी समाप्त करने के लिए सबसे पहले गरीबी को मिटाना होगा, क्योंकि गरीबी के कारण ही खेमा के पिता है ना खेमा को कसारा के हाथों बेच दिया था। तो गरीबी नहीं रहेगा तो जाहिर सी बात है ये बाल मजदूरी नहीं करना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे, बाल मजदूरी समाप्त करने के लिए सबसे पहले गरीबी को मिटाना होगा, जिसे गरीब आदमी अपने बच्चों को मजदूरी करने नहीं भेजेगा। मान लेते उसके पास पैसा ही होगा तो अपने बच्चों को कौन काम करने के लिए भेजवाएगा। ठीक है, दूसरा क्या करेंगे, शिक्षा का प्रचार प्रसार करना होगा, क्योंकि अशिक्षित व्यक्ति बाल मजदूरी को नहीं समझता। ठीक है, अशिक्षित व्यक्ति नहीं समझता है कि उसका करियर बर्बाद हो रहा है। तीसरा है, बाल मजदूरों को काम पर लगाने वालों के लिए ना कड़े दंड का प्रावधान किया जाना चाहिए, कड़े दंड का। तो बाल मजदूरों को बच्चों को काम पर कोई रखेगा ही नहीं, समझे, तो वो सब अपने फायदे के लिए रखता है, क्योंकि उसको सैलरी है ना बहुत ही कम देना पड़ता है। ठीक है, तो उसका बहुत ज़्यादा फायदा होता है और वो काम भी करा लेता है। तो इस तरह से बाल मजदूरी समाप्त करने के लिए हमें ये सब करना पड़ेगा, गरीबी मिटाना पड़ेगा। और गरीबी कैसे मिटेगा, जाहिर सी बात है उनको प्रशिक्षण देना पड़ेगा, जो गरीब लोग हैं ना तो उनको प्रशिक्षण देना पड़ेगा और वो का अपना धंधा शुरू कर सके और फैक्ट्री में काम कर सके जहाँ भी है। तो बस पैसा आएगा तो गरीबी धीरे धीरे मिटेगा, उनका आर्थिक स्थिति सही होगा। तो यही करना पड़ेगा बाल मजदूरी को समाप्त करने के लिए। तो इस प्रकार से पूरा चैप्टर समाप्त होता है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।